की बड़ी खबर का रुख करते हैं। आचार्य बालकृष्ण की तबीयत खराब हो गई है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि आचार्य बालकृष्ण को ऋषिकेश एम्स में रेफर किया गया है। अभी पतंजलि योग पीठ की तरफ से खबर की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन बड़ी खबर और सूत्रों के हवाले खबर यह है कि आचार्य बालकृष्ण की तबीयत खराब है और उन्हें ऋषिकेश एम्स के लिए रेफर किया गया है। पतंजलि योगपीठ की तरफ से इस खबर की पुष्टि नहीं हो पाई है। तो आचार्य बालकृष्ण आयुर्वेद के जानकार हैं, पतंजलि की जो दवाइयां मिलती हैं, खासतौर से जो पतंजलि के प्रोडक्ट्स हैं उसका पूरा जिम्मा वो संभालते हैं और योग के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में देश का बड़ा नाम है। आचार्य बालकृष्ण की तबीयत बिगड़ गई है, सूत्रों के हवाले से खबर। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ऋषिकेश एम्स में रेफर किया गया है। और जी मीडिया संवाददाता अनिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, क्या जानकारी मिल रही है? जी, मैं नरेश गुप्ता बोल रहा हूँ हरिद्वार से। जी, ये जो सहयोगी है पतंजलि योग पीठ के सचिव आचार्य बालकृष्ण की तबीयत खराब होने की सूचना आई है, और सूचना तो ये है कि उनको हार्ट का अटैक पड़ा है। पहले उनको पतंजलि से भुवन अस्पताल है हरिद्वार में, उसमें उपचार के लिए लाया गया था, लेकिन उसके बाद वहां से उनको एम्स रेफर कर दिया गया है। लेकिन पतंजलि योग पीठ के जितने भी, चाहे उनका जनसंपर्क विभाग के लोग हो या कोई भी लोग हो या आचार्य बालकृष्ण जी के सचिव गगन हो, उन सभी लोगों को हमने फोन कर दिए, किसी का फोन पिक नहीं हो रहा है। और इस बात की सूचना आ रही है कि आचार्य बालकृष्ण को एम्स में रेफर किया गया है। जी नरेश, जिस तरीके से पूरी खबर सामने आ रही है, क्या वो बीमार थे पहले, ऐसी कोई जानकारी थी, या फिर अचानक से सब कुछ हुआ और कोई पुष्टि नहीं कर रहा है फिलहाल? बिल्कुल कोई बीमारी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, स्वस्थ थे। परसों ही सुबह 8 बजे मेरी आचार्य बालकृष्ण जी से कंखल स्थित उनके निवास पर भेंट हुई थी किसी मामले को लेकर, और वो बिल्कुल कहीं ये कह रहे थे मुझे बाहर जाना है, मैं उपलब्ध नहीं रहूंगा। उस गणेश चतुर्थी के मामले में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, तो बिल्कुल स्वस्थ थे। उनका तो खान पान भी ऐसा है कि बिल्कुल परहेज का खाना खाते हैं, योग करते हैं, और बिल्कुल उनकी दिनचर्या भी ऐसी है कि बहुत ही ज्यादा योगिक दिनचर्या है उनकी, तो इसलिए उनके ना तो कोई स्वास्थ्य खराब था ना कुछ चीज था। तो ये अचानक ये चीज आई है कि उनकी तबीयत बिगड़ी है और उनको एम्स रेफर करने की सूचना आ रही है, लेकिन पतंजलि योगपीठ ने भी इस तरह की किसी भी चीज की कोई पुष्टि नहीं की है, क्योंकि ना तो उनके सचिव का फोन मिल रहा है, ना पतंजलि योगपीठ के अन्य किसी लोगों के फोन मिल रहे हैं। शुक्रिया नरेश जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो आचार्य बालकृष्ण की तबीयत खराब है और उन्हें जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है उसके मुताबिक ऋषिकेश एम्स में उन्हें भर्ती करवाया गया है।